नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ हेल्पलाइन चैनल में। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे हमारे साथ श्री स्वामी ओम जी हैं, जो कि आज यहाँ तुलसी पूजन भी आज वो कर रहे थे। हवन हुआ उसके बाद इन्होंने काफ़ी मीडिया से बातचीत की। पूछते सर, आज क्या मकसद है जंतर मंतर पे आने का? देखिए, जंतर मंतर पे आने का एक ही मकसद है, दो मकसद है मेरा। एक तो मकसद है कि मोदी जी ने जो नागरिकता कानून बनाई है उसका समर्थन किया जाए और इन देशद्रोहियों को NSA में इनको गिरफ्तार किया जाए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, वो अमानुल्लाह खान, इन सबको NSA के अंदर गिरफ्तार करके इनको जेल में सड़ाया जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि इन्हें गिरफ्तार किया? इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ये सारे के सारे देशद्रोही हैं। आप ये देखिए कि ये जो नागरिकता कानून जो बना है उसको हमने इंदिरा गांधी को कह के भी, राजीव गांधी को कह के भी, हमने वो सारा विधेयक हमने तैयार कर दिया था, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं थी कि ये उस कानून को का पालन कर सके, मुस्लिम तुष्टिकरण की वजह से, ईसाई तुष्टिकरण की वजह से। लेकिन हमने जब मोदी जी से, मैं पिछले 40 सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, मोदी जी से, अमित शाह से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हम इसको पूरा करेंगे, और मैं आभारी हूँ मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने इस काम को पूरा किया। हम हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, समान नागरिकता नागरिक संहिता लाएंगे और उसके बाद लास्ट में हम हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें जो NRC आप उसके फेवर में, किस तरीके से, क्या आपको पॉइंट्स उसमें अच्छे लगे? देखिए, मैं पिछले 40 सालों से मैंने करीब करीब 11 लाख पाक पीड़ित, अफगान पीड़ित और बांग्लादेश पीड़ित शरणार्थियों को मैंने यहाँ पर नागरिकता दिलवाई। पहले उसके लिए 2008 में मैंने हाईकोर्ट में केस किया था। हाईकोर्ट ने हमको कह दिया कि जी ये विदेशी मामलों का मामला यहाँ नहीं चलेगा। हमने कहा लियाकत नेहरू समझौता है और ये भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि पाक पीड़ित और अफगान पीड़ित और बांग्लादेश पीड़ित हिंदुओं को यहाँ नागरिकता दी जाए। उसमें हमने जीत हासिल की और उसी जजमेंट के आधार पर यहाँ पर ये नागरिकता कानून पास हुआ है। तो उसके लिए पिछले 40 साल की जो हमारी तपस्या थी वो हमारी सफल हुई, उसके लिए मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं आभारी हूँ उनका। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, उसके लिए क्या? कांग्रेस तो कुत्ती कांग्रेस है, कांग्रेस तो कुत्ती कांग्रेस है। उसका वजह ये है कि नेहरू मुसलमान था, ये सोनिया ईसाई है, राहुल ईसाई है, ये प्रियंका वाड्रा आपको मालूम है ईसाई है, ये सारे के सारे CIA एजेंट है साले, और ये लोग इस देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। ये हम इनको करने नहीं देंगे। आप ये देखिए, आपको मालूम है कि सोनिया गांधी की जब शादी हुई थी तो इंदिरा गांधी के कहने पर भाई का रोल मुझे करना पड़ा। उस वक्त मैंने विरोध किया था, मैंने कहा था ये देशद्रोही ईसाई है, इसकी शादी राजीव से नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजीव तो पागल हो गया था, जूठा खाने की उसको आदत पड़ गई थी, वो जूठी थी किसी की। माधवराव सिंधिया के साथ में हमने खुद को कर्म करते हुए उसको देखा था नल के मायल में, हरामजादी को, मैं तभी से उसका विरोध कर रहा था। लेकिन सोनिया गांधी ने अपने बेटे के दबाव में आकर के उसके साथ शादी करा दी, तब से मुझे उसका भाई बना दिया। वो मुझे आज भी राखी बांधती है, लेकिन मैं उसको तब भी मैं डैन कहता था, आज भी डैन कहता हूँ, आखिरी सांस तक डैन कहता रहा। इससे क्या फायदा हो सकता है, नुकसान देश? अरे इससे तो सारा फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। किसी भी मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम को हम नागरिकता से अलग नहीं कर रहे हैं। जब हम उनको नागरिकता से अलग नहीं कर रहे हैं तो विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। CIA से पैसा लेकर, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी से पैसा लेकर के ये लोग विरोध करने का नाटक करते हैं, और नाटक कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हमने सरकार से कहा है कि वीडियोग्राफी में सबके चेहरे आए हुए हैं, इन लोगों को इस देश से बाहर फेंको, इनको NSA में गिरफ्तार करो। आप देखिए, मनीष सिसोदिया हरामजादा, वो पुलिस वाले पानी से बुझा रहे थे कैन से, उसको कहा, हाँ, उस मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये तो पेट्रोल डाल रहे हैं पुलिस वाले गाड़ी को जला रहे हैं। ये ऐसे ऐसे देशद्रोहियों को जीने का कोई हक नहीं, मारो इन सालों को, और इनको नहीं मार सकते हो कोई हिंदू, तो इनको साले को NSA में जेल में बंद रखो, इनको बाहर लाने का कोई अधिकारी नहीं है। आज पूरी जो कंट्री है दो भागों में बटी हुई है, एक तरफ विरोध है, एक तरफ पक्ष है। ऐसा है कि कोई दो भागों में बटा हुआ नहीं है, सिर्फ जो CIA एजेंट है, ISI के एजेंट हैं, वो विरोध कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे। आप ये देखिए, जी न्यूज़ में हमने डॉक्टर साहब को कहा कि भाई आप मिस कॉल का सिस्टम चलाइए, वहाँ पे एक दिन में लाखों से मिस कॉल आ गए थे। ये सारी घटना CIA और ISI का करतूत है, इसीलिए इन लोगों को हम मारेंगे, जेल में सराएंगे और इनको मारेंगे, इनको हम हिंदुस्तान से बाहर भगाएंगे।